શું જવાબ છે? કોઈક વાર કોઈએ એમને લોકોને પૂછ્યું હોય તો એમને એમ થાય કે અહીંયા પૂછીને આપણે પછી એ કરીએ. ના ના, પૂછે કરતા એ આપણું આપણને ક્રોસ તો કરે જ ને કે તમે ક્યાં અટકો છો. એમને તો એ જ જોવું છે ને તમે અટવાઓ છો ક્યાં અટવાઓ છો. એ લોકોને જોવું શું હોય કે તમે ક્યાં અટવાઓ છો, એ તો એ લોકોને જાણવું જ છે ને કે તમે ક્યાં અટવાઓ છો. ચલો તો અભી જો મુદ્દા ચલ રહા હૈ ઉસી મેં આગે બોલેંગે કે આજ કી અપેક્ષા સે જબ હમ ડેઢ ફૂટ કે હો જાયેંગે તો ડેઢ ફૂટ કી કાયા વાલે કે 800 યોજન. અભી ઇસકા હાથ વો ચોડા કરેગા ઇતના ભી નહીં હોગા બરાબર. और इतने 2000 धनुष बराबर एक योजन. तो आप समझ सकते हैं कि वो जो ये माप बिल्कुल पहले आर्य के जो जो युगलिक थे पहले आर्य के उनकी अपेक्षा से ये माप लगभग 350 योजन जितना घट जाएगा. कितना? लगभग 350 योजन जितना घट जाएगा, क्योंकि 24 भाग जितना ये घट जाएगा. तो इस प्रकार से जो घटने की प्रक्रिया है वो वहाँ से भी घटेगा और थोड़े अंदर की तरफ आएंगे. जो हमने बोला अणु रूप में भी चलता है, बादल रूप में भी चलता है. वो जो मांडले का भाग है, उसकी चलने की जगह है, वो पहले चौड़ी थी, अब वो अणु हो गई, मतलब छोटी हो गई. तो ये सारी चीज जो ज्योतिष चक्र है वो भी स्क्वीज होगा, ऊपर से नीचे भी उतरेगा. और यही कारण है कि दिनों दिन हमारे यहाँ धूप, गर्मी, तड़का सब बढ़ रहा है कि नहीं बताओ. अभी आप देखोगे कि हाईएस्ट डिग्री हो रही है कि नहीं. अभी कोई सोचेगा कि ये 30 डिग्री या 25 डिग्री कभी भी बम्बई या ऐसे राजस्थान या ऐसे बड़े सिटी में आ सकती है? बताओ, अहमदाबाद जैसे, दिल्ली जैसे में. नहीं आ सकती. और माइनस कभी ऐसे कभी कभी तो पहले तो कितनी ठंडी बंबई में लग रही थी दिसंबर और वो महीने में. आज कभी भी लगती है किसी को भी? नहीं, कभी नहीं लगती है. क्यों? और दुबई और सब जगह तो 60 डिग्री नोट होता है गर्मी में, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ. जो नहीं हुआ वो हो रहा है क्योंकि ग्रह मंडल नीचे उतर चुके. जो वो भी पहले कभी नहीं उतरे थे उतने नीचे नजदीक आ गए. बराबर. बार बार साइंस भी, गूगल भी ये कह रहा है कि सबसे नजदीक मंगल पृथ्वी से सबसे नजदीक आया है, शुक्र पृथ्वी से सबसे नजदीक आया है. सबसे मतलब आज तक नहीं आया उतना नजदीक आया. हर बार ये भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोलो. तो आज अगर गूगल या साइंस कह रहा है कि सबसे नजदीक ग्रह आ रहा है, सूर्य पृथ्वी के करीब आ रहा है और परमात्मा ने ये कहा कि ऊर्ध्व अधो मध्य तीनों चार हो रहा है, तो क्या हमारा धर्म आगम साइंटिफिक नहीं है? बोलो. हाँ या ना? हाँ. तो अब आपको ये सोचना है, पृथ्वी को भी छोटी करो. ये पृथ्वी मतलब हमारे भरत क्षेत्र की बात हो रही है, चेकन जो बाहर के एरिया में, क्योंकि दूसरे भगवान के वक्त ही वहां पे नीचे खाई खोदी गई थी, पानी अंदर लाया गया था. जमीन छोटी हो रही है मतलब कि पानी कवर कर रहा है. गलतफहमी में मत रहो कि जमीन छोटी हो रही है. जमीन छोटी नहीं हो सकती, ये तो सबको पता है. पानी कवर आज होगा, वापस वही वेलनधर देव आएंगे और पानी उड़ाल उड़ाल के बाहर फेंक देंगे, वापस लवण में फेंक देंगे, वापस जत्ती के सारे छिद्रों को भर दिया जाएगा, तो उत्सर्पिणी काल शुरू हो जाएगा. ये सारे देवों का किया धरा है. देव करते रहते हैं ऐसा, देव ऐसा करते भी हमारे कारण है. जैसे ये यान भेज देते हैं, विमान भेज देते हैं, तो अब वो गुस्सा आएगा तो वो क्या करेंगे बताओ? सारे लोकपाल देवों के हाथ में तो है ये सृष्टि, नहीं है क्या? हाँ, जब मर्जी बिजली गिराना, जब मर्जी बारिश गिराना, जब मर्जी मस्ती तूफान करना, जब मर्जी लोगों को आक्रोश और तूफान लाना, वावाझोड़ा, आतंक, ये सब उसकी कारण तो हो रहा है. क्या हमने पढ़ा नहीं भगवान परमात्मा की बात? बताओ, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ, दुष्म काल. हाँ, दुष्म काल. तो हमारी सोच भी तो दुष्म ही हो रही है ना. बोलो, बिना बात चांद पे जाने का सोचना भी तो बिना बात है कि नहीं? क्या करोगे आप वहां जाके? क्या रहने वाले हो क्या? बोलो. काल ही ऐसा है,
जड़ वक्रमती है, कंपटीशन। हाँ नहीं नहीं दूसरे की रहने की जगह को कब्जे करना, देखो ये मेंटालिटी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पृथ्वी से कोई आया हमारे ऊपर कब्जा किया, यहाँ झंडा गाड़ के चला गया, अब वहां बस्ती है कि नहीं वो ढूंढ रहे हैं, तो बस्ती है ये सोच के जा रहे हो ना आप, बोलो। हाँ एलियन तो वही तो हुआ। आज अगर आप इनको देख लो ना युगली, किसी जरा ऊंचाई पे जाके वहां के युगली को देखोगे तो आप क्या बोलोगे, हिम मानव खड़ा है, बोलोगे कि नहीं बोलो, इतना ऊंचा मानवी आपने देखा, आप बोलोगे कि नहीं। और वहां पे अगर ऐसे कोई ये आ रहे में, अगर आप ऐसे छोटे छोटे जानवर सारे छोटे छोटे हो गए ना, देखो वो कैसा था, काचिंडा हो गया, आज इतना छोटा हो गया, बिल्कुल काचिंडा जैसा डायनासोर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, डायनासोर का छोटा वर्जन देखोगे तो काचिंडा है कि नहीं, हाँ सेम टू सेम, आप देखोगे उसका छोटा वर्जन बराबर। तो ये घटना, ऊंचाई का घटना इसी कारण संभव हुआ है कि ग्रह मंडल नीचे उतरे, ग्रह का 3-4 मानना ही है। परमात्मा की सारी बातें अगर हम मानेंगे ना तो हमको ये जगत की सारी नवीनीकरण में कोई आश्चर्य नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, होना चाहिए बताओ, होना ही नहीं चाहिए। ये सारे वैक्रिय वैक्रिय स्वरूप है, ये औदारिक शरीर ही नहीं है, ये सारा वैक्रिय स्वरूप, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय जो अभी हमने किया था ना पुद्गल, वैक्रिय पुद्गल परावर्तन का, ये वैक्रिय पुद्गल का है। तो वैक्रिय से जो बना हुआ है वो तो आपको नरी आंख से दिखाई नहीं देगा। आप सोचो ना, जो देव विमान छोटा करके जो भी वो परमात्मा का जन्म होता है, जो विमान में बैठते हैं और उसको छोटा कर देते, करते कि नहीं, जम्बूद्वीप प्रमाण, 1,00,000 योजन का यान है, उज्र का है वो पालक विमान, स्नात्र में बोलते हो ना, वो पालक विमान, वो बिल्कुल जो नगरी में भगवान जन्मे उतना छोटा किया जाता है, कितना छोटा, जम्बू द्वीप में आएंगे, भरत क्षेत्र में आएंगे, परमात्मा जन का जन्म हुआ है क्षत्रिय कुंड नगर में, तो क्षत्रिय कुंड नगर में जब उनको वो विमान को उतारेंगे तो विमान इतना छोटा करना पड़ेगा कि नहीं, नगर जितना तो करना पड़ेगा ना, तो सारे देव सबका शरीर छोटा हो गया था। ये वैक्रिय पुद्गल है, वो हो सकता है छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। अच्छा छोटा विमान उतरा है, क्या कोई औदारिक शरीर ने किसी ने देखा कि सारा इंद्र सौधर्मिंद्र आए हैं विमान में बैठकर आए हैं, सारे देव आए हैं भगवान का जन्म महोत्सव के लिए, यहाँ सूती का कर्म हुआ, सारी रूचक द्वीप की और सबकी जो अप्सरा है वो देवी है वो आई है, रूचक द्वीप की चौबाड़ी जो भी है वो आती है सूती का कर्म करती है, ये किसी ने देखा, हाँ नहीं, नहीं। क्यों नहीं देख पाए, अभी इतना झमेला हो इतनी धमाल हो तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा क्या, वैक्रिय शरीर ही है ये सब, ये सबके सब वैक्रिय शरीर, और वैक्रिय शरीर जैसे ही देव यहाँ आते हैं ना सबको अवसर्पिणी निंद्रा दे देते हैं, अवस्वापिनी निंद्रा, क्या निंद्रा, अवस्वापिनी, सबका सब नगर सो जाएगा। आप देखो वो कृष्ण को लेकर के वासुदेव उधर गए ना, जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ ना सारी नगरी सो गई, ये भी एक वासुदेव है, सारे जो देव उनके साथ जो होते हैं ना वो सारे नगरी को सुला देते हैं, उसके बाद ताले भी अपने आप खुल गए और उनको लेकर वासुदेव एकला जाग रहा है अकेला, बाकी सबके सब सो गए थे, सोए थे कि नहीं सोए थे, सोए थे ना। एक क्वेश्चन छे, हाँ बिंदु, हाँ बोल, आपले हवे आज रोबो छे आपले हम कंपेयर करी शकी के ने बेकरी है रूप आपी रहे हैं, कौन है, रोबो, रोबो रोगो ने वैक्रिय रूप नहीं, नहीं नहीं रोग तो औदारिक शरीर ही ने थवाना, वैक्रिय ने तो रोग थता नहीं,
वैक्रीय शरीर कभी भी युवानी, हमेशा युवानी जन्मेगा, वो बच्चे भी नहीं होते, उनका गर्भधान भी नहीं होता है, वो बच्चा भी नहीं होता है, कुछ नहीं, सीधे 25 साल का जन्मा और वही 25 साल का ही मरेगा, और 33 अग्रपम जिए तो भी 25 साल का देव मरेगा, बराबर। रोबोट बनाना भी यही, देखिए मैं यही चीज को दोहरा रही हूं, मैं वो एक प्रक्रिया करता है और वो चार्जिंग होके कर रहा है, उसके अंदर आपने ऐसा प्रोग्राम डाला, मतलब जो समझ में आ रहा है, जो उसका जो वर्किंग सिस्टम है उसमें, हाँ बस डेटा, डेटा तो हो ही सकता है ट्रांसफॉर्म, डेटा तो ट्रांसफॉर्म हो ही सकता है, और काम भी तो सोलर ही कर रहा है, सोलर सिस्टम ढूंढने के बाद ही तो ये सब पॉसिबल हुआ है। आपने सोलर सिस्टम ढूंढ लिया, अब आपको वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लेजर से ऑपरेशन भी कैसे हो रहा है, यही चीज है ना, रोबोट से ऑपरेशन कैसे हो रहा है बोलो, एंडोस्कोपी। अरे रोबोट ऑपरेशन कर रहे हैं, रोबोट गाड़ी चला रहा है, विदाउट ड्राइवर गाड़ी कैसे चलती, कमांड दे दिया हुआ है कि थोड़ा भी लेफ्ट में कोई गाड़ी आ रही है तो तुम राइट में चले जाओ, राइट में एक गाड़ी आई तुम लेफ्ट में चले जाओ, और दोनों तरफ गाड़ी आ जाए तो अपने आप मशीन बंद हो जाए, सारे कमांड दे दिए उसको, बराबर दिया है कि नहीं दिया है? और कमांड को काम करने के लिए वायर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सोलर पैनल से वो अपने आप चार्ज होता रहेगा। अब ये जो यान उधर बैठा हुआ है, रात के समय जब वहां पे धूप नहीं होगी, पर वहां तो धूप ना हो ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि सूर्य चंद्र तो कम से कम 15 दिन तो साथ में ही रहेंगे, वध पक्ष में वो दूर होगा तो कुछ दिन ही नहीं चलेगा ना, बराबर। धीरे 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 वध में वो बिल्कुल नजदीक है, वध के बाद वो दूर होता जाएगा कि नहीं सूर्य चंद्र से, तो इस तरह से वो चार्ज भी होगा, पिक्चर्स भी लेगा, भेजेगा भी, और ये सारी प्रक्रिया नॉर्मल है, ये कोई खास नहीं है। हाँ वो कमांड ले जाके उतर, देखिए रशिया ने भी छोड़ा, सबने छोड़ा, लेकिन उन्होंने स्पीड नहीं घटाई, इन लोगों ने स्पीड घटा के लैंडिंग किया, एकदम घटाया, एकदम धीरे 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 स्मूथली लैंडिंग कराया, उन लोगों ने फास्ट लैंडिंग कराया, स्पीड बिना घटाई, इसलिए फट से वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन हमारा जो धीरे धीरे उसकी स्पीड ही घटा दी थी, पिछले कितने दिन से स्पीड घटा दी थी, और इतना 50 मीटर उसको उतारते 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 उन्होंने 4 घंटे करा दिए, इतना छोटा छोटा धीरे 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 स्पीड कर दिया तभी वो लैंड कर पाया, बराबर। हाँ तो वहां पर भेजना, जो सिस्टम से भेजा वो, और सोलर पैनल के कारण अब वो चार्ज हो रहा है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां से अंदर जो रोबोट बिठाया हुआ है मशीन, उसको यहां से कमांड दिया जा रहा है, उस हिसाब से वहां काम हो रहा है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, मात्र सोलर के ये टेक्निकल ढूंढ की ये वजह है कि आप वहां तक उसको लेकर जा सके हो, जहां तक जरूरत थी वहां तक आपके पेट्रोल ने काम किया है, उसके बाद अब जो काम करेगा वो सोलर पैनल काम करेगा, तो कोई ये नई बात नहीं है, उसमें सरप्राइज भी होने की बात नहीं है, ग्रह मंडल नीचे उतरे हैं तभी यहां से आदमी वहां ऊपर तक पहुंच कर पाया, अपना विमान वहां तक पहुंचा पाया, बराबर। कोई प्रश्न है तो पूछो, क्या बोलावे होत तो केटलू बधु काम थी गयु होत, શાસ્ત્ર ને ખાલી વાંચી લે ને એ લોકો તો પણ કેટલું મોટું કામ થાય ખબર છે, ખાલી શાસ્ત્ર કો પઢ લે ના વો, કભી ભી શાસ્ત્ર કે મામલે મેં એક શબ્દ ભી નહીં બોલના, ઇતના યાદ રખના, આદેશ્વર દાદા ને ભી યહી કહા હૈ, મહાવીર સ્વામી ભી યહી કહે રહે હૈ, શાસ્ત્ર ગલત કૈસે હુએ, શાસ્ત્ર અધૂરે કૈસે હુએ બતાઓ મુજે, હા બોલો,
हुए क्या? जो सिस्टम से परमात्मा ने ये पूरी सृष्टि का जो हमें बताया है वो भूगोल और खगोल, आपको ये देखेंगे हम कि जिस तरह से 45 लाख योजन के अंदर समय क्षेत्र बताया और उसी में ग्रहों को घूमते हुए बताना और घूमते हुए ग्रहों के कारण ही समय क्षेत्र में उसकी आड़ असर से सारे प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर का उत्पन्न होना, यानी कि जगत प्रत्येक क्षण में चर चर में नवीनीकरण कर रहा है, हाँ या ना बताओ? हाँ ये जो नवीनीकरण हो रहा है, ये नवीनीकरण करने वाले भी देव ही है, लोकपाल देव, उनके नीचे रहे 10-10 दिक्पाल देवों की नीचे की उनके जो उनके सामानिक देव, उनके अभियोगिक देव, क्योंकि ये सारा पाठ इसमें भगवती सूत्र में अभी अभी हमने किया है, पिछले ही महीने में किया है कि सारे सौधर्म इंद्र आदि अपने नीचे के लोकपाल जो 10 दिशाओं को देखने वाले हैं, वो लोकपाल देवो और उनके देवो छोटे जो हाथ नीचे के जो अभियोगिक देव हैं उन सबको आदेश देते हैं ये जगत में नित्य नवीनीकरण करने का। इसमें ग्रह युद्ध भी आ गया, ग्रह दंड भी आ गया, ग्रह मुशल भी आ गया, बिजली गिराना भी आ गया। एक देव दूसरे देव को पछाड़ने के लिए बिजली गिराएगा और वो बिजली गिरेगी किस पे? ये भूमि के क्षेत्र पे, बराबर, यहाँ के नगरों में गिरेगी कि नहीं? लड़ाई हो रही है दो देवों के बीच में, वैक्रिय स्वरूप की लड़ाई है, वैक्रिय स्थिति की लड़ाई है और भुगत कौन रहे हैं? बोलो। हाँ हाँ, ये पृथ्वी, ये जगत, बराबर। तो हमारे लिए ये फैक्टर जानना बहुत, मारो तो आवाज बराबर आवे छे, બધાને સંભળાય છે? તમારો કોઈનો ઉત્તર નથી આવતો એટલે હું અટકી જઉં છું। તો આપકો યાર હમકો યે પતા હી હૈ કે યે જગત મે નવીનીકરણ હોતા હૈ, યે નવીનીકરણ કે પીછે કારણ ભી દેવ હી હૈ, જો ઉનકા વૈક્રિય રૂપ લેના, વૈક્રિય શરીર કા પ્રયોગ કરના, ઉપયોગ કરના, યે પૂરા યે સૃષ્ટિ જો અમારા જો તિર્યક લોક હૈ વો ઉનકે આધીન હૈ ઓર વો અપને અપને बुद्धि के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार ये जगत में नवीनीकरण लाते रहेंगे और बदलाव लाते रहेंगे। उसमें कभी ऐसा भी हो जाएगा कि असुर कुमार चमरेंद्र जाके सौधर्मेंद्र से लड़ाई भी कर ले, और ये लड़ाई में भी अगर तकलीफ होगी या मरना होगा तो लोगों को ही होगा ना। हाँ, तो इस हिसाब से ये जो नयापन आता रहेगा, तो ये नयापन लाने में देव भी जिम्मेदार है और मनुष्य खुद भी जिम्मेदार है कि नहीं, बोलो? क्योंकि मनुष्य को भी तो चाहिए ना कुछ करना, ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना कुछ कांड किए मनुष्य भी सीधा शांत नहीं बैठेगा, ईगो हर्ट था ही नहीं देवो ना। वो तो होता ही है ना, वो तो हमसे तो ज्यादा ही शक्तिशाली है, वो सभी देव मनुष्य से तो ज्यादा ही शक्तिशाली, वैक्रिय स्वरूप भी है, वो छुप भी सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं, और यंग के यंग रहने वाले हमारे जैसे तो है नहीं कि बीमारी रोग आकर वो उनको ठंडा भी कर देगा कभी, बोलो है ना? नहीं। तो देवों को तो फिर गुस्सा आएगा ही कि भाई तुम लोग अपना देखो ना, यहाँ हमारे में हमारे झमेले में क्यों आ रहे हो, हमको क्यों परेशान करने आ जाते हो। देवों को ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। कौन अपनी जगह और कौन अपनी भूमि को किसी और के हवाले में होने देगा, कोई है? बताओ, ये भी एक संसारी जीव है। हाँ, मानस हो नहीं तो नियो क्या थी करवा दे। हाँ,
देव तो आप हमसे तो ज्यादा ही शक्तिशाली है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग तो करेंगे ही ना, खुद को और खुद की चीजों को बचाने के लिए करेंगे ही करेंगे, आप कोई उनको रोक नहीं पाओगे कोई जाके, बराबर। तो ये स्थिति है जो जगत की बताई गई है, धीरे धीरे हम जो छठे आर्य की तरफ जाएंगे या जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण भूत, ये आबोहवा या वातावरण को डिस्टर्ब करना है कि नहीं बताओ। इससे क्या डिस्टर्ब होगा? पर्यावरण, वातावरण और पर्यावरण। अब अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो इसकी असर किस पे होने वाली है? हम पे ही ना, किसी और पे तो होगी नहीं, यहाँ रहने वाले उसको ही होगी। अगर उनका कोप मिला तो भी हमको ही, और अगर उनकी उनके विमान या उनके उसमें से कोई नेगेटिव किरण निकले तो भी किसके लिए? हमारे लिए, है ना। बोलो अभी आगे। औदारिक शरीर और वैक्रिय शरीर, ये भेद समझ में आ गया? औदारिक शरीर से आप उतनी प्रक्रिया नहीं कर सकते जितनी ज्यादा आप वैक्रिय शरीर से कर सकते हो, बराबर। क्योंकि वैक्रिय शरीर ऐसा शरीर है कि जो कभी भी क्षय नहीं होता, आयु पूर्ण होते ही बिखर जाएगा, लेकिन रोग के अधीन हो या मृत्यु से पहले आप मर जाओ, आपकी आयु खत्म कर दे, ऐसे कोई संजोग औदारिक शरीर में हो सकते हैं लेकिन वैक्रिय शरीर में कभी नहीं हो सकता, बराबर। तो अब औदारिक की ताकत ज्यादा हुई या वैक्रिय की ताकत ज्यादा हुई? ताकत वैक्रिय की ज्यादा, वैक्रिय की ताकत ज्यादा हुई। तो अब वैक्रिय की ताकत ज्यादा हुई तो वैक्रिय शरीर औदारिक पर हावी होगा या औदारिक वैक्रिय पर हावी होगा? वैक्रिय औदारिक पर हावी होगा, सही बात। क्योंकि लंबे समय तक रहना है, लंबी शक्तियों के वो धारक है, इतनी सारी शक्तियों को लेकर वो चल रहे हैं कि ये शक्तियां कभी भी उनको क्षीण होने या हारने नहीं देती है, बराबर। हारने नहीं देगी, है ना। तो आप हारोगे नहीं तो जीतोगे, तो हारेगा कौन? तो मनुष्य। तो डैमेज कौन होगा, तिरछा लोग या देवलोक? तिरछा लोग डैमेज। अच्छा, कर्म का संबंध है ये, देव बनकर आप जितने अशुभ कर्म करोगे भुगतने के लिए तो आपको वापस यहीं पे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो ये जो देव है, 90% देव मरने के बाद वनस्पति में क्यों आते हैं, सोचो। यही कारण है ना, एकेंद्रिय, नॉट ओनली वनस्पति, एकेंद्रिय क्यों आते हैं? एक तो रत्नों का उपयोग, रत्न की लालसा, लालच, ये सब उसको यहीं पे लाएगी कि नहीं? पुण्य कमाना नहीं है और तोड़फोड़ ही करनी है, तो जो पृथ्वी जो जगह को तोड़फोड़ की है उसी जगह में जाकर जन्म लेना पड़ेगा अब। बराबर। बोलो और कोई प्रश्न? अब देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा ने जो सिस्टम से पंचांग को बताया है, अब आप ये समझिए कि जैसे जैसे ये ऑर्बिट में बदलाव आ रहा है, ऐसे मैं बोली ना कि पहले से स्क्वीज हो रहा है, मांडले छोटे हो रहे हैं, बादल रूप में से अणु रूप पे चंद्र सूर्य घूमेंगे, वापस अणु रूप से बादल रूप में घूमेंगे, तो इस प्रकार से मंडल का स्क्वीज होना, मंडल का नीचे उतरना, क्या इसी प्रकार की व्यवस्था तिथि की वो रहने देगा?
रहने देगा बताओ? नहीं, उसमें भी तो चेंज आएगा ना? हाँ आएगा, आएगा। पहले के समय में ये जो हमने काल के मामले में भी सुना परमात्मा की बात, देखो आज हमको ये आप इतना समझिए कि भगवती के पाठ में से हमको जो जो चीज मिली है ना, वो आज के और ये पूरे खगोल भूगोल में कितनी काम की है। परमात्मा ने सुदर्शन सेठ से क्या कहा था कि पल्योपम भी घटता है, सागरोपम का भी क्षय अपचय होता है, कहा था कि नहीं? अब आप सोचिए, पल्योपम और सागरोपम का अपचय या क्षय होगा तो सबसे पहले तो एक महीने का क्षय होगा। महीने का जो नक्षत्र में, जो जो नक्षत्र में ये हो रहा है, घूम के हो रहा है, तो महीने के दिनों का क्षय होगा तो ही पल्योपम का क्षय होगा ना, बताओ ना। पल्योपम का क्षय तो मोटे में है, पर छोटे में होगा तो ही मोटे में होगा ना। हाँ हाँ। पहले छोटा क्षय करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। तो छोटा क्या हुआ, एक मास का भ्रमण, सारे महीने के अंत के नक्षत्र का भ्रमण। सबसे पहले छोटे में क्षय होगा तो ही धीरे 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 सब क्षय होगा तो ही बड़े में क्षय नोंद आएगा ना, बताओ। तो आपको यहाँ ये बताओ, आगम पाठ में क्या है या क्या मिला है, 720 साल में क्षय और सम आदि बताई गई थी कि जो एक साइकिल शुरू होती है वो 720 साल के बाद वही जगह वही डिग्री वही में वापस सूर्य चंद्र आ जाएंगे और उसी प्रकार से मास की व्यवस्था होगी। तो अब वो 720 वाली व्यवस्था आज नहीं हो रही है, आज वो व्यवस्था 480 में आके रुक गई। कहाँ पे रुक गई? उसमें 240 वर्ष का समय निकल गया। आप सोचो, अगर अगर 720 वर्ष में 240 वर्ष का समय निकल गया तो एक ही महीने के नक्षत्रों में कितना समय निकल जाएगा, समझ सकते हो आप? वो भी 2/3 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 720 का 480 क्या हुआ? वही 61 अंश हुआ ना, उत्सेट प्रमाण। 24 61 अंश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, हुआ। तो 24 61 अंश पल्योपम में भी क्षय आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सागरोपम में भी आएगा, पल्योपम में भी आएगा, महीने में आएगा, वर्ष में आएगा और दिन में भी आएगा। दिन में भी 24 61 अंश पहले की अपेक्षा आपके दिन घट जाएंगे, घटेंगे कि नहीं? अहोरात्र, अहोरात्र प्रमाण घटा तभी वो 720 से आप 480 पे आए ना, बताओ। समाधि समन घटा कि नहीं? हाँ। तो ये उच्छेद प्रमाण माप ऊर्ध्व चार अधो चार मध्य चार और उस चार के कारण जो समय में घटता घटपन आता है वो भी अवसर पीणी में, इस घटना का सबसे ज्यादा नोंद हमको भरत क्षेत्र के लिए पंचांग और खगोल भूगोल में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। अगर हम ले लेंगे तो हम अच्छी तरह से आगम पाठ के हिसाब से ये साइंस को जान पाएंगे। हाँ। और अगर नहीं ली तो कुछ भी मालूम पड़ेगा, ऐसे ही झगड़ते रहेंगे बाद में, है ना? हाँ, छोटे बड़े और झगड़े होते रहेंगे। तो इस प्रकार से समय का घटना भी इसी तरह ग्रह नक्षत्र के घूमने पे अधीन है, बराबर वही ऊर्ध्व अधो मध्य तीन चार। अच्छा, तिर्यक भी बोला गया। तिर्यक का मतलब क्या हुआ? बाहर की ओर घूमना, और तिर्यक तिरछा अंदर की तरफ आना। जब वो आप उत्तर पीढ़ी में हो तो वापस मांडले बाहर की तरफ जाएंगे और अवसर पीढ़ी में स्क्वीज होंगे, अंदर की तरफ आएगा। तो ऊर्ध्व अधो मध्य तिर्यक चारों चीज मिल गई आपको। अब ये चार चीज मिलने से 720 की समाधि आज 480 पे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, पॉसिबल है, राइट? राइट।
हाँ ये पॉसिबल, ये पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल है तो जब वो 400-720 की असर और 480 के असर में भी रात दिन का अंतर होगा, होगा। अब आप ये सोचिए कि जब 720 का साल का चक्र था ना, तब तो हम युगलिक काल में थे, पहले आर्य में थे, और अब 480 पे आ गए हैं। कल को हो सकता है और घट के 320 भी हो जाए, होगा कि नहीं? हो सकता है कि नहीं बताओ? हो सकता है। अभी 42,000 साल बाकी है ना, उससे भी ज्यादा बाकी है ना। तो छठे आर्य में भी ये चीज होगी, तो तब तक ये घटेगा। तो आज 480 है, कल यही चीज 360 भी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। जैसे कि पहले ये जो जगती थी, अरे पहले ये जो तलेटी थी वो वडनगर थी, उसके बाद वल्भीपुर हुई, आज पालीतना है, तो कल तलेगांव, तो कल उससे भी कम हो सकती है कि नहीं? हो सकती है कि नहीं? वो जो बीच में जो आज रास्ते चल रहे हैं ना, आप चल रहे हो ज्यादा आज हिंगड़त के हड़े के पहले वो सारा रोड आ जाएगा, रोड वहां तक कुछ साल के बाद, तो अपने आप पर्वत घट गया। ऐसे ही अब जब वल्भीपुर था तब ये सारा पर्वत था, आज रोड हो गए, और कल ऐसा मानेंगे कि आप वल्भीपुर तक, अरे वडनगर तक जाओ, अब वडनगर तक पर्वत होगा, तो आप समझ सकते हो ये तो गुजरात आ गया, कितना बड़ा पर्वत होगा। और वहां आज भी तलेटी है वडनगर में, बहुत बड़ी जगह है, उसको मंदिर बनाया है, ये पालीतना की तलेटी है, ऐसा होगी तो ही होगा ना। पर एक और तलेटी है वहां उत्तराखंड में, केदारनाथ, तो तलेटी वहां तक होनी चाहिए, और तलेटी वहां तक होनी चाहिए, तो पालीतना की शुरुआत कहां तक होनी चाहिए, सोचो। गिरी छे ने गिरना नी छेल्ली टोक छे ए राजकोट पासे छे छे એટલે વચ્ચે થી વળી જાય છે, એટલે ઉપર સુધી નતા ગયા, એટલે ત્યાં રસ્તો હશે ને ગિરનાર જવાનો, એમ જ જાય છે કે વળી જાય થી। मतलब ये है कि हमको द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों को घटते हुए मानना ही पड़ेगा, शास्त्र पाठ है ये, उसको मानेंगे नहीं, भरत क्षेत्र को छोटा करेंगे नहीं, और बोल देंगे कि ये पृथ्वी अलग है, ये तो बहुत छोटी है, भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा था, और अंगुल प्रमाण ये सब घटता ही नहीं है, शाश्वत पदार्थ है, तो चलेगा बताओ? पहले तो चलेगा नहीं चलेगा, ये शाश्वत और शाश्वत है, क्योंकि यहाँ ही छठा आरा होना है, और छठा आरा होना है, पहले आ रहे सोने की भूमि से हमको कीचड़ की भूमि तक जाना है, और आप कह रहे कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलेगा ही नहीं, बदल रहा है तभी तो आप सोने की भूमि से कीचड़ की भूमि तक जा रहे हो, बोलो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों में, और गुण भी तो बदले कि नहीं, हमारे गुण रहे क्या? देखो पहुंच गए थे चंद्र तक, पहले ये गुण था क्या कभी? अरे ये जो मुनिराज और ये सब जो 1,00,000 योजन मेरु के ऊपर गए ना, वो भी सूर्य चंद्र के ऊपर नहीं गए, पता है? वो गए थे नहीं। समझदार थे वो, सरल थे, उनको पता था कि भाई ये तो देवो की अपनी जगह है, वहां हमको जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आज तो एक कुतूहल हो गया है, वहां क्या है जाके देखेंगे।
उसको कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने के माइंड से ही गए ना। बराबर। तो जमीन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वो भी भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, पांच भरत पांच ऐरावत के ही, जितने जितने अंदर जाओगे वैताढ़ के उस तरफ, उसके बाद हिमवान पर्वत, लघु हिमवान पर्वत, वैताढ़ भरत क्षेत्र तक ही बदलेगा, समझ लीजिएगा। अंगुल प्रमाण को आपको ऐसे नहीं समझना है, अंगुल प्रमाण को ऐसे समझना है कि जिस समय जो व्यक्ति का जितना अंगुल, उस हिसाब से उसके माप में बदलाव आएगा। आएगा कि नहीं बताओ? आज तीन गांव की काया वाले को कम से कम 9 गांव जितना मकान चाहिए, दरवाजा वाला। हमारा घर कितना ऊंचा है, हमारे से 3 गुना से ज्यादा है कि नहीं घर ऊंचा? फिर छत आपकी कितनी ऊंची? आप, मैं 5 फुट की हूँ तो छत मेरी 15 फुट की है कि नहीं? तो वो तीन गांव की काया वाला अगर एक वो कल्प वृक्ष में रहता होगा अपने घर के अंदर, उसमें तो सब मकान वकान सब रेडी होते थे उनके, तो वो मकान उससे 3 गुना ऊंचा होगा कि नहीं? तो वो कल्प वृक्ष ही कितना बड़ा होगा, सोचो तो सही। आज मेरी हाइट के हिसाब से 20 गुना आज का पेड़ है, बराबर। तो वो तीन गांव की काया से 20 गुना बड़ा पेड़, जब उसको हमको मानना है तो वो पेड़ छोटा ये काल में हो गया, ऐसा क्यों नहीं मानना है बताओ? मानना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि एक द्रव्य घटा दूसरा द्रव्य नहीं घटा, इम्पॉसिबल। द्रव्य सबके सब साथ में घटेंगे, क्षेत्र भी साथ में घटेगा। क्षेत्र रहने का घट रहा है, रहने का। आज वहां पानी आ चुका है, दरिया बढ़ गया है, लवण बढ़ गया, भरत घट गया। तो भरत का क्षेत्र घट गया मतलब रहने का क्षेत्र ही घट गया कि नहीं? आर्य देश का ही क्षेत्र घटा कि नहीं? आज भारत का किलोमीटर तो देखो, और 25.5 आर्य देश तो कहां, एशिया तक, पूरे एशिया तक फैला हुआ था कि नहीं बताओ? तक्षशिला में या सिंध प्रदेश, आज पूरा जो सिंध प्रदेश है वो सब आर्य भूमि में आता है, आता है ना? तो कितना बड़ा था भरत क्षेत्र, सोचो। सोच सकते हो? ऐसी भरत क्षेत्र की कल्पना कर रहे हो और आप कह रहे हो कि ये कभी घट ही नहीं सकता, जबकि घटा हुआ दिख रहा है। परमात्मा ने कहा भी है कि ये घटेगा, कीचड़ की भूमि होगी। हाँ, तो ये भरत में कहाँ से आएगा, सोचो तो सही। कैसे आएगा? आप कह रहे हो घटेगा ही नहीं। सुमंदर स्वामी तो अगर परिवार साथे आवे तो समय नहीं। हाँ, तो पछी ये वक्त एटलो मोटो जासे ने, કેમ કે આદેશ્વર દાદા એવા જ હતા, એવા જ। તો વો તો બડા હોગા, મગર એક ઓર મહત્વ કા મુદ્દા આ રહા હે કે આપકો ઇસ પ્રકાર સે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવ ઓર ગુણ પાંચો ચીજ એક સાથ ઘટતી હે, આપ ઉસમે સે આપ સારે ગુણ ઘટા રહે હો, સમજો મેરી બાત। द्रव्य घटा रहे हो, पुद्गल द्रव्य आप सब घटा रहे हो। तीन गांव की काया का आज अपने 2 फुट, 1.5 फुट, 5 फुट है वो मान लिया, लेकिन क्षेत्र को आप घटा हुआ नहीं मान रहे हो, तो वो चलेगा? बोलो। नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? ये नहीं चलेगा, ये बात सच है कि ये नहीं चलेगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों को घटा हुआ मानना, और वो घटा हुआ मानना, और वो अपने आप डिस्टेंस घट जाएगा। 800 योजन में ही रहने वाला है, वो भी डिस्टेंस घट गया, ग्रह मंडल नजीक आ गए, हम लोग की ऊपर जाने की, यान विमान बनाने की, पेट्रोल के जीवी तो मार मार के पता चल गया कि पेट्रोल के जीवों को ऐसे मार के हम विमान में घूम सकते, तो हम आराम से घूम रहे, बराबर बराबर बराबर। फिर पहले के जमाने में सब लोग
लोग ही उतने ज्ञानी थे और उतने सिद्ध थे जो देवों को सिद्ध करके बैठते थे, तो देव से ही बोल के विमान नहीं बनवा लेते अपने लिए घूमने के लिए? बोलो। वो खुद भी बना सकते, खुद भी बना सकते थे, लेकिन बनाया नहीं, क्योंकि वो सरल थे, जानते थे कि ये इससे जीवों की हड़ना ही हो रही है, नहीं पता था क्या? बराबर। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव और गुण पांचों साथ में घटते हैं, इसी कारण से उत्सर्पिणी असर्पिणी भी होती है, और इसी कारण से हमारे रहने की व्यवस्था या रहने का मकान भी अवश्य घटेगा घटेगा और घटेगा। बोलो। बराबर। आज मोबाइल भर गया है, आज मैं थोड़ा जल्दी बंद कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, सेंड नहीं हो पाएगा, और आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। बराबर क्योंकि इसमें भी अभी 15 मिनट बचे और वो तो फोन फुल हो गया है, वो तो पता नहीं कैसे जाएगा, यही नहीं मालूम। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ दरकार करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को एक तीसरा फोन लेके बैठना पड़ेगा। और ठीक है, ऐसे भी चलते हैं अपने 1.25 घंटा, फिर भी ठीक है, राइट? हाँ, उससे भी ज्यादा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपने को ये 1.25 घंटा भी चलेगा अभी, है ना? है ना? हाँ। बोलो, अभी कोई सवाल है तो बोलो। है कोई प्रश्न? अच्छा अच्छा, चलो तो फिर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय।